हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अर्निका एंड वेलकम टू स्टडी विद अन्विका। होपफुली आप सभी एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। हम सबको पता है कि हम कक्षा 10 का साइंस जो पढ़ रहे हैं, इसमें जो हमारा टॉपिक है ये प्रकाश है, यानी कि हम लोग कक्षा 10 के साइंस की शुरुआत कर चुके हैं, जिसमें से हमने दो लेक्चर्स देख लिया है कि प्रकाश का इंट्रोडक्शन क्लास था एक, और एक में क्या था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के कितने नियम होते हैं ये हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, जिसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब क्या होता है कि और प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, इन सब की चर्चा हम लोग आज के क्लास में करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि प्रतिबिंब होता क्या है। प्रतिबिंब क्या होता है हम सबको पता है, क्यों? क्योंकि भाई रोज हमको अगर जाना है स्कूल और कोचिंग, तो उसके लिए हम पहले खुद को तैयार करते हैं, मिरर में देखते हैं, तो मिरर में हमारा क्या प्रतिबिंब ही तो दिखाई देता है। तो बस हमको पता है प्रतिबिंब क्या होता है, लेकिन उसको हमको सेंटेंस के फॉर्मेट में एक तरह लिखने का बस सीखना है, ठीक है, कि कैसे उसको हम लोग लिखेंगे एग्जाम में। तो प्रतिबिंब क्या होता है कि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, यानी कि जब हम खुद को देखते हैं मिरर में, तो हमसे जो प्रकाश की किरणें चली हैं, तो हमारा मिरर कैसा होता है, एक प्लेन सतह होता है। तो हमने बताया है कि अगर किसी प्लेन सतह से प्रकाश की किरणें टकराती हैं, तो वहां पे या तो परावर्तन होगा और या तो क्या होगा, अपवर्तन होगा। तो बात यहाँ पे ये होती है कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब किसी दर्पण से टकराती है, तो वहां पे परावर्तन या अपवर्तन होता है। तो यहाँ पे भी सेम वही होता है, क्या होता है कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस दूसरे बिंदु पर मिलती हैं, यानी कि परावर्तन अपवर्तन के पश्चात वो किरणें या तो क्या होंगी, मान लेते हैं ये हमारा कोई दर्पण है और यहाँ पे प्रकाश की किरण टकराई, तो परावर्तन होगी, तो ये घटना परावर्तन हमने बताया था। अपवर्तन होने का मतलब है कि वो दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, और अगर दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो या ये प्रकाश की किरण आई हमारी या तो अभिलंब की तरफ झुकेगी या तो अभिलंब से दूर जाएगी। यहाँ पे दो कंडीशन होता है, वो डिपेंड करेगा कि ये माध्यम कैसा होगा। और ये जो है इस चिकने सतह के इधर का माध्यम की ये प्रकाश की किरण आई और ये चली गई, ये तो परावर्तन था। जबकि जब प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए, तो ये हमारा अभिलंब है, अभिलंब की तरफ या तो झुक जाएगी या तो अभिलंब से दूर हो जाएगी, तो ये घटना हमारी अपवर्तन कहलाती है। तो इस परावर्तन या अपवर्तन के बाद ये किसी दूसरे बिंदु पे मिलेंगी, या तो एक्चुअल में मिलेंगी या तो मिलते हुए प्रतीत होंगी, मतलब हमको एहसास या आभास होगा कि वो कहीं पे मिल रही है। तो वो जो दूसरा बिंदु होगा जहां पे मिलती हैं या मिलते हुए प्रतीत होती हैं, वही दूसरा बिंदु ही पहले बिंदु का क्या कहलाता है, प्रतिबिंब कहलाता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब क्या होता है, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे हमारी दो कंडीशन आएगी, या तो वो किरणें वास्तव में मिलेंगी और या तो किरणें हमको आभास होगा कि वहां पे मिल रही हैं, ठीक है। तो मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को, यानी कि जहां पे मिलती हैं या मिल रही हैं, उस बिंदु को पहले बिंदु का कहते हैं प्रतिबिंब। पहला बिंदु क्या हुआ, जहां से प्रकाश की किरणें चली थी, यानी कि हम अगर मिरर के सामने चले हैं तो हमारे हमसे प्रकाश की किरणें गई, तो हम हो गए प्रथम बिंदु। और क्या होता है, उस मिरर से टकराए तो जो उस मिरर में हम दिख रहे हैं वो हमारा बन गया प्रतिबिंब हो गया, ठीक है, ये होता है प्रतिबिंब। अब या तो यहाँ पे जो खेल है वो किसका है, कि या तो मिलती हैं या तो मिलती हुई प्रतीत होती हैं, खेल है बस इन दोनों का। तो इन दोनों की बात हम लोग क्यों कर रहे हैं यहाँ पे। तो प्रतिबिंब हमारा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब हमारा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। अगर प्रतिबिंब हमारा दो प्रकार का होता है तो वो कौन कौन सा होगा। प्रतिबिंब हमारा दो प्रकार का हुआ तो पहला हो गया वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा हो गया आभासी प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब क्या होता है, रियल इमेज। रियल का मतलब क्या होगा भाई, नाम से पता चल रहा है वास्तविक, और परिभाषा में हमको
हमने क्या बताया कि वास्तव में मिलती है, तो जहां पे किरणें वास्तव में मिलेंगी वो हमारा कहलाएगा वास्तविक प्रतिबिंब, और जहां पे किरणें मिलेंगी नहीं लेकिन हमको मिलती हुई प्रतीत होंगी, यानी हमको एहसास होगा कि किरणें वहां पे मिल रही हैं, तो वो हमारा कहलाएगा क्या आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, यानी कि किरणें जहां पे मिलती हैं यानी कि मिल ही रही हैं वहां, वो हमारा वहां पे बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। लेकिन जहां पे किरणें हमको सिर्फ एहसास होता है या आभास होता है कि मिल रही हैं, वो जो बिंदु होता है वो हमारा कहलाता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या हो गया, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं। ठीक है, किरणें जहां पे मिलेंगी तो वास्तव में मिलती हैं, तो वहां पे क्या होता है दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को पहले बिंदु का क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। तो पहले बिंदु का क्यों कहेंगे, क्योंकि जो पहला बिंदु है प्रकाश की किरणें पहले बिंदु से ही चल रही है, तो पहला बिंदु हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु होगा, और दूसरे बिंदु पे जहां पे किरणें मिल रही हैं वो हमारा होगा प्रतिबिंब। ठीक है, हो गया ये वास्तविक प्रतिबिंब। अब देखते हैं कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। आभासी प्रतिबिंब में हमको आभास होगा कि किरणें मिल रही हैं, लेकिन वो किरणें वहां पे मिलती नहीं है, वो कहीं और से आती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती है, इसका मतलब किरणें वहां मिलती नहीं, आंखों का धोखा है, तो वास्तव में किरणें नहीं मिलती है बल्कि दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यानी कि हम है यहाँ पे और किरणें आ रही है यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे हम है, ये किरणें कहीं से आएंगी और लगेगा कि यहाँ पे मिल रही है लेकिन यहाँ पे मिलती नहीं है, वो कहीं और से आती है। ठीक है, तो ये जो बिंदु होगा इस बिंदु का क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है, और वो कैसा प्रतिबिंब रहने वाला है, आभासी प्रतिबिंब रहने वाला है। ठीक है, तो प्रतिबिंब हमने देखा कि क्या हो गया, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब हमारा दो प्रकार का होता है, एक हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, एक हो गया आभासी प्रतिबिंब। या तो हम ये कह लें कि दर्पण में बनी हुई आकृति को भी प्रतिबिंब कहते हैं, भाई दर्पण में हमारी आकृति बन रही है तो हमारा वो क्या है, प्रतिबिंब ही तो है। तो एक हो गया क्या, वास्तविक प्रतिबिंब, और एक हो गया आभासी प्रतिबिंब। परिभाषा यही है बस, वहां पे क्या है, वास्तविक में मिलेंगे किरणें और आभासी में मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो यानी वास्तविक प्रतिबिंब हमारा क्या होगा, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, अब वास्तविक प्रतिबिंब अगर कह लिया तो वास्तविक प्रतिबिंब की खास बात क्या है कि इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि ये वास्तविक है इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब को हम कहां पे, पर्दे पर प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसको पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन यही पूछता है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो आंसर क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, या फिर ट्रू फॉल्स में हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया हमारा, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब में क्या होगा, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो वहां पे हमारा क्या कहलाएगा, आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा। अब अगर वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, तो जो आभासी प्रतिबिंब होगा इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि ये वास्तविक था तो इसको हमने प्राप्त कर लिया, और ये आभासी है इसलिए इसको पर्दे पर हम नहीं प्राप्त कर पाएंगे। अगर इसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर पाएंगे लेकिन इसका हम लोग फोटो खींच सकते हैं। ठीक है,
तो इस पॉइंट को भी यहाँ पे मेंशन करेंगे कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, किंतु इसका फोटो प्राप्त किया जा सकता है, यानी फोटो लिया जा सकता है। ठीक है, ये बात हो गई हमारी प्रतिबिंब की। ठीक है, प्रतिबिंब हमने देखा, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या इनकी परिभाषाएं और खास बात है। इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है पर्दे पर इसको प्राप्त किया जा सकता है, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। किस प्रतिबिंब का फोटो हम ले सकते हैं, तो आभासी प्रतिबिंब का। ठीक है, अब ये सारा खेल प्रतिबिंब बनने का खेल हो किससे रहा है, दर्पण से हो रहा है। भाई बिना दर्पण के तो हो नहीं रहा है, क्योंकि परावर्तन या अपवर्तन के लिए हमको क्या चाहिए, एक प्लेन सतह चाहिए। और प्लेन सतह भी कैसा हो, जो एक तरफ का कलई किया हो। तो यानी कि हम उसको कह ले कि वो क्या है, एक मिरर है, यानी कि दर्पण। तो प्रतिबिंब बनने का खेल अगर दर्पण से हो रहा है तो दर्पण किसे कहते हैं और दर्पण क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। तो दर्पण हमारा क्या क्या होता है, क्या दुनिया में एक ही तरह का दर्पण है या अलग अलग तरह के भी दर्पण हैं? तो चलिए देखते हैं कि दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, ये कोई हमारा हो गया चिकना सतह, हमको देखना क्या है, दर्पण। ठीक है, ये हमारा हो गया कोई चिकना सतह। अगर यहाँ पे परावर्तन की हमको घटना करवानी है तो इसके एक तरफ हमको क्या करना पड़ेगा, कलई करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इसके एक तरफ कलई कर दिया। तो ये हमारा जो था, यानी कि जो हमारा परावर्तक पृष्ठ कह ले या जो प्लेन हमारा था, इसको हम, ये कैसा था, पारदर्शी था। पारदर्शी क्या होता है, जिसके दोनों तरफ हम देख पाए। पारदर्शी माध्यम क्या होता है, जिसके आर पार हम देख पाए। ठीक है, तो पहले तो ये पारदर्शी था जब तक हमने कलई नहीं किया था, फिर बाद में इस प्लेन सतह पे हमने क्या कर दिया, कलई कर दिया। या तो हमने क्या इस पे क्या करेंगे, कलई करेंगे, या फिर क्या करेंगे, लाल ऑक्साइड का लेप लगा देंगे। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि दर्पण में किसका लेप किया जाता है, तो लाल ऑक्साइड का। ठीक, तो हमने लिया ये कोई प्लेन सतह जो कि पारदर्शी था, इसके एक तरफ हमने कर दिया कलई। तो जो ही हम कलई करेंगे, अब ये क्या बन गया, हमारा परावर्तक पृष्ठ बन गया। भाई अब यहाँ से प्रकाश आएगा और परावर्तन की घटना हो जाएगी। ठीक है, तो हमने इसको बना लिया परावर्तक पृष्ठ। अब ये कैसा हो गया, हमारा पृष्ठ परावर्तक हो गया। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ होने का मतलब प्रकाश की किरण आई और यहाँ से टकराई और वापस चली गई, ये तो हमारा अभिलंब तो बनेगा ही। ठीक है, यही हमने प्रकाश के परावर्तन में बताया था। तो हमें दर्पण देखना है, तो दर्पण क्या होता है कि यदि किसी चिकने सतह पे क्या कर दिया जाए, कलई कर दिया जाए। ठीक है, या लाल ऑक्साइड का लेप करके यदि किसी चिकने सतह को लेप करके, मतलब कलई करके या लाल ऑक्साइड का लेप करके उसके सतह को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, यानी इसके सतह को इस हिसाब से हम लोग कर दें कि वहां पे परावर्तन की घटना होने लगे, तो ये जो हमारा है सतह या पृष्ठ, ये क्या कहलाएगा, हमारा दर्पण कहलाएगा। ठीक है, तो दर्पण क्या हो गया, यदि किसी चिकने पारदर्शी सतह को, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि यदि किसी चिकने या पारदर्शी सतह को सतह पर कलई या लाल ऑक्साइड का लेप करके उसको परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, तो यह निकाय क्या कहलाता है, हमारा दर्पण कहलाता है। ठीक है, क्योंकि दर्पण के लिए हमको क्या चाहिए, परावर्तन या अपवर्तन की घटना होनी चाहिए, क्योंकि बिना परावर्तन या अपवर्तन के प्रतिबिंब बनेगा नहीं। ठीक है, तो हमने क्या बना दिया, इसको परावर्तन के लायक बना दिया, नहीं इसको परावर्तक पृष्ठ बना दिया, तो ये हमारा कहला गया क्या, दर्पण कहला गया। अब दर्पण हमारा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। दर्पण हमारा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का।
एक तो हो गया हमारा समतल दर्पण और दूसरा हमने कह लिया क्या गोलीय दर्पण। एक हमारा हो गया समतल दर्पण और एक हो गया गोलीय दर्पण। नाम से ही समझ में आ रहा है कि समतल दर्पण मतलब ये क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी यानी कि समतल होगा जिसमें रोज हम खुद को तैयार होते हुए देखते हैं, वो हमारा क्या हो गया समतल दर्पण हो गया। और गोलीय दर्पण क्या होगा, कुछ ये गोले की तरह से होगा, नाम से ही पता चल रहा है। तो फिर होता क्या है, चलिए देखते हैं कि समतल दर्पण क्या है। तो समतल दर्पण क्या हुआ, दर्पण वो हुआ जिसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए परावर्तक पृष्ठ। तो यह जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, एक समतल होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है समतल, समतल मतलब प्लेन होता है। ये हमने ले लिया कोई पारदर्शी चिकना तल ले लिया, इसके एक तरफ हमने कर दिया क्या कलाई कर दिया, ये हमने किया कलाई। और जो ही हमने इसको कलाई किया तो इसका जो दूसरा पृष्ठ है वो क्या हो गया परावर्तक पृष्ठ बन गया। परावर्तक अगर पृष्ठ बन गया है तो यहाँ से क्या होगी परावर्तन की घटना होगी, और अगर इसमें परावर्तन की घटना हुई तो ये हमारा हो गया क्या एक दर्पण हो गया। और अगर ये दर्पण हो गया और ये सीधी सीधा दर्पण है यानी ये एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है हमको, तो ये जो दर्पण होगा वो हमारा क्या कहलाएगा समतल दर्पण कहलाएगा। यानी कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, ये जो परावर्तक पृष्ठ है वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं हो, गोलाकार नहीं हो, वो एकदम सीधा हो, वो हमारा कहलाएगा समतल दर्पण। तो समतल दर्पण भी क्या लिखना है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ एक समतल होता है वो समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, समतल दर्पण में बस हमको इतना लिखना है। अब समतल दर्पण हमने देखा तो समतल दर्पण से हम जिस प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे वो प्रतिबिंब कैसा होगा, उसकी कुछ ना कुछ तो खास बात होगी। तो यानी कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के हमको क्या देखने हैं, गुण देखने हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण क्या क्या गुण हो सकते हैं अगर कोई प्रतिबिंब समतल दर्पण से हमारा प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो समतल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होगा वो सदैव कैसा होगा, सीधा होगा। भाई अगर हम खुद को मिरर में देख रहे हैं तो हमारा उल्टा प्रतिबिंब तो नहीं प्राप्त होता है, सीधा ही दिखता है। तो और वो जो दर्पण होता है वो समतल होता है, हम सबको पता है। तो यानी कि समतल दर्पण का पहला ही प्रॉपर्टी हो गया उसके प्रतिबिंब का कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा। और जो भी प्रतिबिंब सीधा होता है वो हमेशा क्या होता है, आभासी होता है। और आभासी क्या होता है ये तो हमने अभी बताया कि आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, जिसका हम लोग फोटो खींच पाए। हम लोग मिरर के सामने खड़े होके आजकल लोग सेल्फी खींचने का ट्रेंड भी है, यानी उसका फोटो ले पाएंगे वो आभासी है। और अगर कोई प्रतिबिंब सीधा है तो वो आभासी 100% होगा। ठीक है, ये हो गई पहले गुण की बात, यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा, सदैव आभासी तथा क्या होगा, सीधा होगा। अगले गुण की बात कर ले, यानी कि अगली प्रॉपर्टीज की क्या होगी कि समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होगा वो हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होगा। यानी कि जो प्रतिबिंब का आकार होगा समतल दर्पण द्वारा, लिखेंगे कैसे इस पॉइंट को कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव वस्तु के आकार के बराबर होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि मिरर में हम खड़े हुए और हमारी हाइट है 5 फीट तो हम वहां पे दिखते हैं 10 फीट के या सिर्फ 2 ही फीट के दिखते हैं, ऐसा तो नहीं है। यानी कि अगर कोई इंसान 5 फीट का है तो वो मिरर में भी 5 फीट का ही दिखेगा, और जो मिरर होता है वो कैसा होता है, समतल दर्पण होता है। तो ये सब क्या है, हमारे जीवन से संबंधित ही है, तो इसमें याद तो कुछ रट्टा मारना ही नहीं है कि क्या हो गया कि जो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वो सदैव सीधा तथा आभासी होता है, और समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के लंबाई के बराबर होता है, यानी कि वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि वस्तु, समतल दर्पण का एक अगला गुण होता है कि इसमें वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा,
वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। अगर हम किसी वस्तु से जो उसका प्रतिबिंब बन रहा है वहां से एक सीधी लाइन खींचें, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा वो क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। ठीक है, वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा लंब कहलाती है। एक अगली इसकी खास बात क्या होती है कि अगर हम क्या देखना है, हमको h लंबाई का कोई व्यक्ति है हमारा, ठीक है, h लंबाई के किसी व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, h लंबाई के व्यक्ति को, भाई h का मतलब कोई 5 फीट का हो सकता है, कोई छोटा सा बच्चा 2 फीट का हो सकता है, h लंबाई के व्यक्ति को पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई h/2 लेनी चाहिए। h/2 का मतलब क्या हो गया कि अपने से कम से कम अपने से आधे लंबाई का हमको क्या लेना चाहिए, दर्पण लेना चाहिए, अगर हमको क्या करना है, अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना है। ठीक है, यानी कि अगर हमको अगर क्या करना है, किसी 5 फीट के आदमी को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है सिर से पैर तक का, तो कम से कम उसको 2.5 फीट का मिरर तो लेना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा हो गया कि पूछा जाएगा कि अगर किसी व्यक्ति की लंबाई 10 फीट है, उसको अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना है, तो उसको किस लंबाई का समतल दर्पण लेना होगा, तो वहां पे उसका आंसर क्या हो जाएगा, h/2 यानी कि 10/2 यानी कि 5 मीटर हो गया, फिट हो गया, जिसमें वो दिया होगा। ठीक है, उसके बाद में एक अगला इसका गुण क्या होता है कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ये कितनी होगी, अनंत होती है। फोकस दूरी क्या होता है, सब आगे आएगा, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। और अगर एक खास बात और कर ले इसकी समतल दर्पण की, तो इसकी एक खास बात ये होती है कि इसमें वस्तु हमारा जितनी दूरी पे होता है प्रतिबिंब उतनी दूरी पे बनता है। ठीक है, वही यानी कि जैसे प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर प्राप्त होता है, उसी प्रकार अगर हमने क्या रखा है, अपने से 2 फीट दूरी पे रखा है हमने कोई समतल दर्पण, तो हमारा प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पे पीछे प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये सभी क्या थे, हमारे समतल दर्पण के गुण थे। और हमने क्या देखा, गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण भी हमारा, गोलीय दर्पण क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण से नाम से पता चल रहा है कि ये क्या होगा, कोई गोला होगा। अब ये गोला होगा, अगर ये दर्पण बनाना है हमको, तो जाहिर सी बात है इस पे भी हमको कलाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमको उसका बिहेवियर दर्पण की तरह करवाना है तो हमको क्या बनाना पड़ेगा, उसके सतह को परावर्तक पृष्ठ बनाना होगा। तो यानी कि गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का, ये हमारा हो गया कोई खोखला गोला, इसको हमने बीच से काट दिया। अगर काट दिया तो हमको इसके 2 साइड्स मिल रहे हैं, एक तो ये साइड मिल रहा है और एक तो ये साइड मिल रहा है। ठीक है, अब इसके अगर हमने मान लेते हैं इसको एक तरफ से हमने कर दिया कलई, या लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया, या चांदी का भी लेप कर दिया, तो अगर एक तरफ कर दिया कलई, तो ये जो इसका अंदर का सतह है ये हमारा क्या बन गया, परावर्तक सतह बन गया। और ये परावर्तक सतह सीधा नहीं है, क्योंकि अगर सीधा होता तो वो समतल होता, तो ये कैसा एक कर्व लाइन है, यानी कि वक्र रेखा है। तो ये हमारा यही दर्पण क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण। या फिर इसकी एक और कंडीशन हो सकती है कि अगर हम अंदर कलई कर दें तो इसका जो बाहर का सतह होगा वो हमारा परावर्तक सतह बन जाएगा।
तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, गोलीय दर्पण कहलाएगा। ठीक है, यानी कि गोलीय दर्पण क्या होगा, गोले का भाग होगा, और गोले को हम लोग काट के क्या करेंगे, एक तरफ कलई कर देंगे, तो उसका दूसरा तल क्या हो जाएगा, परावर्तक तल बन जाएगा, और इस प्रकार जो हमको निकाय प्राप्त होगा वो हमारा कहलाएगा गोलीय दर्पण। समतल दर्पण प्लेन होगा, गोलीय दर्पण क्या होगा, गोला होगा। कलई दोनों में करना है, क्योंकि बिना कलई किए क्या होगा, वो परावर्तक पृष्ठ नहीं बनेगा। और अगर हमको क्या करना है, दर्पण की तरह व्यवहार करना है इसको, तो वो क्या होगा, उसका एक पृष्ठ परावर्तक तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी, दर्पण की। दर्पण भी हमारा दो तरीके का हो गया, एक गोलीय दर्पण हो गया और एक समतल दर्पण हो गया। समतल दर्पण क्या होता है, एक ये प्लेन दर्पण होता है, यानी कि सीधा होता है, उसके एक तरफ कलई कर देंगे तो उसका जो दूसरा तल होगा वो परावर्तक कहलाएगा, और इस प्रकार का जो हमको निकाय प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा समतल दर्पण। गोलीय दर्पण ये किसी गोले का भाग होगा, और उस कटे हुए गोले के एक तल पे हम कलई करेंगे तो दूसरा तल परावर्तक हो जाएगा, तो ये सिस्टम या निकाय हमारा कहलाएगा गोलीय दर्पण। अब फिर आगे हमारी जो क्लास होगी, अब बस आज बहुत लंबी क्लास नहीं करेंगे, वो आगे हम बताएंगे कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, क्योंकि अब हमको इस समतल दर्पण के बारे में तो नहीं पढ़ना है, अब जो हमको डिटेल नॉलेज चाहिए वो किसके बारे में चाहिए, गोलीय दर्पण से। सारे प्रतिबिंब हम किसी से बनाएंगे, और इसके बारे में हमको ढेर सारी चर्चाएं करनी है, जो कि आज तो पॉसिबल नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी की चीजें हम लोग फिर से देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग इसका रिवाइज करिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।